गाइस वेलकम कर दिया सभी लोगों का अंशुमिश के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। आज हम लोग जाने वाले वापस से फोर्ज़ा होराइज़न के अंदर, जिसमें हम लोग लेते हैं अपनी ड्रीम कार्स और करते हैं उससे रेसेस। सो लेट्स गो। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना है, 100 के लाइक का गोल, और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मेरे दोस्तों। 5 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, दिखा दो यार भाई को 5 कर ही देते हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। बाकी चलो चलते हैं फटाफट से फोर्ज़ा होराइज़न वर्ल्ड के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, एंड यार लास्ट टाइम, अरे यार झाड़ी भाई हट जाओ, लास्ट टाइम हम लोग चला रहे थे अपनी द लेजेंडरी पॉल वॉकर वाली सुपरा MK4, तो चलो इसे चलते हैं। वैसे थोड़ा बहुत इससे मजा भी आता है, लाइक कैसे बताऊं, थोड़ा ना वो फील आ जाती है वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली है। बाकी तो तुम्हें पता ही है, हैंडल्स को थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि हाथ पे लगते ना बहुत ज्यादा। सो लेट्स गो फटाफट से। अबे ये यार, ये मेरे अंगूठे इतने ज्यादा मोटे है ना मेरे से, मैं हमेशा ड्रिफ्ट मारने के लिए ई ब्रेक मारता हूँ और वो गलती से रिवाइंड पे जाके लग जाता है। सो या वो तो अलग ही मजे है। सो लेट्स गो फटाफट से चलते डिस्ट्रक्शन करते हुए। आज हम लोगों को लेनी है भाई कैसे भी एक पोर्शे GT3 RS या तो फिर टर्बो एस, देखते हैं जो भी होगा। 911 लेंगे आज हम पोर्शे, गारंटीड बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है। बट तुम लोगों को याद होगा, अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक ली थी जेस्को, वो हम लोगों को फ्री में मिल गई थी, तो अपने पास अभी भी भाई 1.8 मिलियन क्रेडिट्स के आसपास पड़े। सॉरी सिट्रॉन चला रहे हो, नहीं सुबारू लग रही है। चलो फटाफट से अपना वहाँ का वो लगा देते हैं, मैप लगा देते हैं। हम लोगों को जाना है होराइजन के पास, सो लेट्स गो। आज हम लोगों को जाना है एपेक्स आउटपोस्ट के पास, क्योंकि सीधी सी बात है GT3 RS वहीं पे मिल रही है। सो लेट्स गो, मतलब देखते हैं। मेरा मन तो यार GT3 RS पे आ रखा है, इवन तो सबको पता है भाई कि टर्बो एस लाइक आस पास भी नहीं है भाई, GT3 RS और टर्बो एस आस पास भी नहीं है। बट ब्रो यार वो बात ही अलग है, पता है उसकी, मतलब कैसे बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई GT3 RS, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी छोटी लगती है, निम्बल लगती है भाई। सोचो ना, एक एक V6 इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल कि वो भाई अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीटता है, मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियों को यार। मतलब पोर्शे की फास्टेस्ट कार आई गेस 911 वो होगी, टर्बो एस होगी, मतलब मेरे को कन्फर्म नहीं पता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को सही करना भाई। ये इसको ना सुपरा को ना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ऐसे रॉकेट की तरह निकलती है ना एकदम तगड़े तरीके से। बट ऐसा अगर मैं गलत हूँ, मेरे को बताना पोर्शे की फास्टेस्ट कार कौन सी है, ट्रैक में ऑन रोड, ठीक है, जो मतलब कॉमर्शियली खरीद सकता है आदमी। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे पता 911 टर्बो ऐसी है, बट क्या पता दूसरी भी हो कोई। बट यस, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग लाइक पैसा तो इतना है कि दोनों ले सकते हैं भाई, ठीक है ना, पैसा इतना है कि हम लोग दोनों के दोनों खरीद सकते हैं। यार ये कितनी भाई, ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है ये सुपरा भाई साहब, गलती से पंजा दबा दो बस, फिर तो ये बाउंस ही हो रही है पूरी यार। लेकिन ये क्या भागती है भाई, मजाक से हट के यार। अच्छा ओके, अब मैं समझा कि ये इतना ज़्यादा क्यों कर रही है कि लेफ्ट राइट। बारिश हुई थी आई थिंक रात को, और उसके बाद से यहाँ पर पूरा का पूरा पानी जमा हो गया है, उसकी वजह से ये गाड़ी इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबली लाइक विगल कर रही है पूरी, इधर उधर जा रही है, वही है मेरे हिसाब से। तो मेरे को ना अभी भी पता क्या हो रहा है, अभी ये क्या आ गया। अच्छा ओके, अभी हम लोगों को कोई, अरे नहीं रुकना नहीं भाई, यहाँ पर अगर गाड़ी रुक गई तो ये हमारा ट्रैक का रुक जाता है पूरा का पूरा। यार मेरे को सच्ची मेरे को ड्रिफ्टिंग सीखनी है थोड़ी सी यार, मतलब प्रॉपर ड्रिफ्टिंग जो होती है ना, मतलब मज़ा आ जाए जिसको देख के, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट ड्रिफ्ट्स होती है भाई। अगर हमारी गाड़ी जल्दी से इस जोन के अंदर मिल गई ना, तो हमारा ये ड्रिफ्ट हार देंगे हम लोग। मैं भूल जाता हूँ यार, जब तुम लोग ये ड्रिफ्ट जोन में होते थे तो दिक्कत कोई नहीं होनी है, इतना खास नहीं करता हम लोग। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम बाद खेल रहा हूँ यार इसको, जब भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने आता हूँ ना, मैं उसी टाइम पे खेल पाता इसको, और बिलीव मी ब्रो ये सुपरा ना बहुत अनकंट्रोलेबली निकलती है। अब सोचना यार कोई गाड़ी भाई 3 सेकंड के अंदर अंदर, 2 सेकंड के आसपास में 0 to 100 कर दे रही है, तो वो गाड़ी तुम कैसे कंट्रोल करोगे पूरा पंजा दबाते हुए भाई, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बट फिर यार मज़ा भी तो उसी को चलाने में, फिर कठिन हो चाहे कुछ हो भाई साहब, ऐसे रैली रेस ड्राइव लाइक ड्राइवर की तरह फीलिंग आती है ना इसको चलाते समय। हाँ यार मैं तो तुम लोगों को हमेशा ही बोलूँगा, अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है ना एक बार, लाइक कोई भी गेम को, फोर्ज़ा होराइज़न की ज़रूरत नहीं, लाइक अगर कोई भी गेम हो भाई, तुम्हें अगर मौका मिलता है ना खेलने का, प्लीज़ ट्राई करना यार भाई, प्लीज़ ट्राई करना, मजाक से हट के भाई। इवन तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यस भाई प्लीज़ ट्राई करना, गारंटीड से यार।
एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है यार। देखो सीधी सी बात है यार, थोड़ी महंगी है गाड़ी, ठीक है ना। चाहे फिर तुम अभी जो हम लेने जा रहे हैं उसको ही देख लो भाई, पोर्शे GT3 RS तुम लोगों को अगर तुम लेने जाओगे इंडिया में 3 करोड़ के आसपास पड़ेगी। आई थिंक 3 करोड़ भी मैंने कम बोल दिया क्या, नहीं नहीं 3 करोड़ के आसपास पड़ेगी। सोचो भाई बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है, बट तुम लोग उनको चलाते फील ले सकते हो, लाइक उतना रियलिस्टिक तो नहीं होगा जितना रियलिस्टिक भाई असली गाड़ी को चलाना होगा, बट फिर वही है यार। अब हमारे जैसे बंदे के पास 3 करोड़ कहाँ से आएगा, वो भी तो सोचने वाली बात है। तो एटलीस्ट कहीं से तो फन हो, कहीं से तो मस्ती उठे थोड़ी सी यार, मज़ा तो आए। उस साइड मुड़ना है सुपरा भाई। चलो आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1 किलोमीटर बता रहे हैं बस भाई। मेरा मन तो देखो GT3 RS का कर रहा है, इवन दो टर्बो एस बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है GT3 RS से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है टर्बो एस, बट यार पता नहीं यार GT3 RS दिखने की बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो बड़ी प्यारी लगती है भाई। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं, दोनों के स्पेक्स मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा, फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं कि हम लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी है। ओके ये कौन सी जगह, आप मैं समझ गया भाई, इसको हम लोग ड्रिफ्ट के नाम पे क्या क्या करके लाए हैं सुपरा के साथ हम ही जानते हैं भाई। वो ड्रिफ्ट बोल के 12,000 × 30 3.8 कर तो रहा है, बट वो हमको ही पता है कि हम ये गाड़ी को कैसे लेके आए यहाँ तक का ड्रिफ्ट के नाम पे। गाड़ी का मर्डर कर दिया हम लोगों ने। लेट्स गो बॉयज, चलते हैं फटाफट से। माई कार नहीं, हम लोगों को आज खरीदनी है गाड़ियाँ, ठीक है। सो लेट्स, इसमें अबार्थ नया आ गया, देखो अबार्थ का आ गया मेरे दोस्त के पास, एक फिएट अबार्थ कौन सी है, पोलो आई गेस, पोलो नहीं पोलो क्यों है यार, थी यार वॉक्सवैगन पोलो, हाँ उसके पास फिएट अबार्थ पुंटो है, पुंटो पड़ी हुई है उसके पास, तो वो बहुत ज़्यादा सही गाड़ी लगती है मेरे को भाई, भागने की बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेट्स गो, आई होप मैं उसमें कुछ ब्लॉग व्लॉग देखते हैं, काटेंगे अगर हम लोग काटेंगे तो। अभी तो हम लोगों को जाना है किस में, हम लोगों को जाना है पोर्शे वाले सेगमेंट में। लेट्स गो पोर्शे 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 पोर्शे, फिएट का भी एक सेगमेंट है पूरा का पूरा, पोर्शे पोर्शे ABCDFGH आई थी के LMNOP. आ गए हम लोग पोर्शे में। देखो सबसे पहले तो हमें टाइकान एस टर्बो एस दिख जाती है, तो तगड़ी गाड़ी है ही, ठीक है। टाइकान बोले या फिर टाइकान, मैंने से दोस्तों को देखा है टाइकान बोलते हुए, बट यस हमारे पास देखो यहाँ पर एक टाइकान मिल जाती है हमें, फिर एक ये है 911 GT3 RS 2019 का एडिशन, दिखने की देखो एक बार यार कितनी प्यारी लगती है भाई, देख रहे हो मजाक से हट के भाई तुम, कोई भी अरे कोई भी भाई कोई भी कलर, ये देख रहे हो सीधे एनिमे वाला ये बंदे ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, सीधा प्यारी सी गाड़ी दिखी नहीं उसमें एनिमे डाल देते और प्यारी बना देते हैं। ये देखो GT3 RS भाई, ये मजाक से हटके इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है ना भाई, 911 GT3 RS इज लाइक नेक्स्ट लेवल भाई, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में। बट अब देखो इसको अगर मैं कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, फिल्टर शॉर्ट नहीं, शॉर्ट तो नहीं करना हमने, जो मेरे को कीबोर्ड से पता है एल होता है, ठीक है। तो देखो इसकी पावर अगर तुम लोग देखो 383 kW है, कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट नहीं भी तो 370 BHP के आसपास होगी, ठीक है। GT3 RS देखो 370 BHP के आसपास होगी, और उसके बाद हम लोग देखते हैं 911 टर्बो एस ये रही, देखो 2014 नहीं 2019 की भी तो होगी ना फिर, अगर ये देखिए तो 2019 की GT3 RS है, टर्बो एस कम ऑन ब्रो, कहीं तो होगी यार, ऐसा मैं नहीं मान सकता भाई, ये दिए तो टर्बो एस भी दी होगी इन लोगों ने, ऐसा हो ही नहीं सकता। GT3 RS है टर्बो एस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कम ऑन यार, करारा एस भी बड़ी हुई, ये भी तगड़ी गाड़ी है। कैन केमेन कहाँ है ब्रो, नहीं है क्या सही में, व्हाट 911 टर्बो एस खाली 2014 की है, बट 2014 में भी देखो ऑलमोस्ट 400 BHP है, लाइक पावर 400 BHP है, जो कि 2014 का मॉडल है सोचो, और ये 2019 की अपनी GT3 RS है, और इसमें तब भी कम पावर है, लाइक बहुत ऐसा सिग्निफिकेंटली कम नहीं है, बट है थोड़ी बहुत कम। तो मेरा तो मन कर रहा है यार देखो टर्बो एस की जगह इसके साथ जाने का, क्योंकि मेरे को कैसे बताऊँ, वो होता नहीं कुछ गाड़ी से तुम्हारा ऐसा कनेक्शन सा लगता है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार ये गाड़ी कितनी कूल लगेगी, तो ये मेरे को वो वाली गाड़ी का फील देती है, तो मैं तो जा रहा हूँ भाई सीधे सीधे अपनी GT3 RS के साथ। लेट्स गो, अपने पास पैसे की कमी नहीं है भाई, हम लोग वो तो ले सकते हैं, क्योंकि अपने जो उसके लिए पैसे जमा करे थे वो हम लोगों को फ्री में मिल गई एक तरह से, तो लेट्स गो देखते हैं हम लोग क्या ले सकते हैं, कौन सा कलर। ये देखो नियॉन में कितना कूल लग रहा है भाई ये, ओके और देखते हैं यार, ये वाइट में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है भाई, तो लाइक GT3 RS हर कलर में अच्छी लगती है भाई,
है ही अच्छी गाड़ी, क्या करेगा आदमी भाई, कुछ भी देखो कैसे भी देखो किसी भी एंगल से देखो, मैं मजाक नहीं करूंगा, ये वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट लुकिंग कार्स लगती है मेरे को। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पोर्शे ही पसंद नहीं होती, वो तो फिर उनको पसंद ही नहीं आती है, बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोच रहा हूँ या तो ये वाला कलर, और एक मिनट, ये दोनों सेम ही है आई गेस, है ना, तो इसके साथ चलते हैं हम लोग, ये वाली GT3 RS के साथ चलते हैं। लेट्स गो बॉयज, ये GT3 RS हम लोग ले रहे हैं भाई। मैं तो बाई कर रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे, मैं नहीं देख रहा, मैं प्राइस देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि ये लाइक ठीक ठाक प्राइसेस में ही मिलेगी। लेट्स गो बॉयज, रियल लाइफ में तो नहीं ले सकते, लेकिन हम लोगों ने एटलीस्ट गेम के अंदर अपनी GT3 RS ले लिया, लेट्स गो भाई। Porsche 911 इज लाइक, कैसे बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा मस्त मज़ा चीज़ यार। लेट्स गो, इसको खोल के देखते हैं। अच्छा ओके, हाँ Porsche की ये बात अच्छी लगती है मेरे को, वो लाइट भी चला के देख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ बंद हो जा रही, जल जा रही है, बढ़िया। देखो Porsche की ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, एक तो यहाँ पर भी वो होगी, स्पेस होगी, ठीक है, और पीछे भी आई गेस स्पेस ही होगी, राइट। ओ नहीं, इसमें म्यूजिक सिस्टम जैसे क्या है, व्हाट, सही में? ओके मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर गाइस तुम लोगों का ज़्यादा बेटर पता है प्लीज़ बताना मेरे को, ये क्या चीज़ है, म्यूजिक ही लग रहा है मेरे को, तो क्या हो सकता है फिर ये? और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, ये तो मोस्ट प्रॉब्ली वही होगा कि वो फ्यूल व्यूल के लिए और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। हाँ ये वाला फ्यूल है, ये मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्योंकि हाइब्रिड कार है ना, तो उसमें एक मिनट, हाइब्रिड है, आई थिंक हाइब्रिड है, नॉट श्योर, मतलब 100% श्योर नहीं हूँ मैं, मेरे को जहाँ तक याद है शायद भाई, जिस हिसाब से दिख रहा है लग तो रहा है कि हाइब्रिड है, बट मेरे ख्याल से Porsche ने तो बोला था कि हम कभी भी अपनी 911 को वो नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रिक नहीं करेंगे, बट हाँ वो हाइब्रिड है, फुल्ली इलेक्ट्रिक नहीं करेंगे वाली चीज़। रुको मैं एक बार नेट पे सर्च करके आ रहा हूँ भाई, मेरे को देखना है यार। गाइस आई एम नॉट श्योर, मेरे को सच्ची बताओ, मेरे को मिल नहीं पाया, मैंने बहुत देर तक सर्च करा बट मेरे को कुछ नहीं मिला है, बट मेरे को लग रहा है कि हाइब्रिड है, बट नॉट श्योर, ठीक है। ये अब हम लोग अंदर जाके देख लेते हैं एक बार भाई साहब, यार क्या लग रही है, नहीं भाई मज़ा ही आ जाता है यार देख के। ओ भाई साहब, वो स्टार्ट भी करके देख सकते हम लोग, ओ भाई साहब लेट्स गो भाई, कसम से यार, पता नहीं मेरे को तो ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सा ऐसा, वो हॉर्न भी दबा के देख सकते हैं। अच्छा ये तो हम हॉर्न अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसमें, अरे इंस्टॉल नहीं करना था, अमेरिकन ट्रक बहुत बढ़िया भाई। हेलो गाइस, निकालते हैं अपनी GT3 RS को जरा रोड पे। ओ भाई साहब, दिखने की क्या लग रही है भाई, मजाक से हटके कसम से यार, मेरे हिसाब से तो GT3 RS इज द परफेक्ट कार जो दिखने की, कैसे बताओ, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो GT3 RS को देख के बोलेंगे यार मजा नहीं आया गाड़ी में, भाई इसको देखो एक बार क्या गाड़ी लग रही है, दिल से बोलना गाइस। देखो ऐसा नहीं कि अब भाई ने बोल दिया कि भाई बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे तो तुम लोग जबरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं अच्छी लग रही है, भाई जेन्युइनली बताना मेरे को ये गाड़ी तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं लग रही है भाई। कंट्रोल देखो, रियर व्हील ड्राइव है ये कार, मतलब वो देख रहे हो तुम, कुछ भी फालतू का ड्रैग नहीं, कुछ नहीं, जैसे भाई मस्टैंग वस्टैंग देखा कैसे रपटते हुए जाती है, स्टार्ट कर दो अगर पूरा पंजा दबा के दो। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है एक बार देखते हैं, मैं इसको खड़ी कर रहा हूँ, अगर मैं पूरा पंजा दबाऊंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब हो रहा है थोड़ी तो होगी, बट वैसा कुछ क्रेजी ऐसा आड़ा टेढ़ा जाके ऐसे भीड़ नहीं जाएगी कहीं पे, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही है। मैं तो बोलता हूँ इसमें एक बार रेस करके देखते हैं, फिर इसको फुल्ली मॉड करके देखते हैं, फुल्ली मॉड ऐसी बना दूंगा ना इसको मैं, तुम देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। यार ये ऑलरेडी दिखने की क्या क्रेजी लग रही है, कलर पेंट यार इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यार, डैम ब्रो, लाइक बनाती यार Porsche भी गाड़ियाँ तो बहुत तगड़ी बनाती है भाई, मानना तो पड़ेगा Porsche को इस चीज़ में यार, कसम से भाई, मतलब पता नहीं यार GT3 RS दिखने की तो कुछ ज़्यादा ही अलग लगती है भाई, ये आई थिंक मेरे हिसाब से तो Porsche की 911 में सबसे बेस्ट कार है, मेरे को तो ऐसी फील होती है कि दिखने की तो ये सबसे बेस्ट कार है यार। अब पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट वो ये मेरे लिए एटलीस्ट ये बेस्ट कार है दिखने की, तुम लोग बताना अगर तुम्हें कोई दूसरी Porsche इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने की। मेरे को ना कोई गिफ्ट दिया हुआ है, बट भाई Porsche बाई करेगा, आई थिंक हम लोगों को फ्रेडी ने कोई गिफ्ट दिया हुआ है भाई, Porsche लेने के भी गिफ्ट मिलते हैं क्या, ये भी सही है भाई। और सोचो अब अगर बाई चांस उस गिफ्ट में इसने इससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम हम लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों को उसने लैंड रोवर वो दी थी, लैंड रोवर रेंज रोवर दी थी या फिर डिफेंडर दी थी, शायद से रेंज रोवर दी थी, हाँ रेंज रोवर दी थी मोस्ट प्रॉब्ली। देखते एक बार जाके कि क्या गिफ्ट है भाई, यही तो करते हैं भाई, पहली GT3 RS आती है तो उससे ऑफ रोडिंग करते हैं गाइस, ठीक है ओके। लेट्स सी क्या गिफ्ट है यहाँ पे, ओके राइट साइड पे
वो रहा देखो वहाँ झाड़ी के बीच में। ओके ओके माई बैड उधर वो है पूरा बांध टाइप है, बांध में रखा हुआ है गिफ्ट। लेट्स सी क्या गिफ्ट है हमारे लिए यहाँ पे। ओके खोलने जा रहे हैं, क्या गिफ्ट है? Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? अरे Horizon की spirit तो ठीक है, गाड़ी तो खोल दो मैडम, बोल कहाँ रही हो इतना? कौन सी गाड़ी है वो? भाई वो तो कुछ ज्यादा खतरनाक गाड़ी थी भाई, मजा आ गया यार, कुछ फॉर्मूला ड्रिफ्ट वाली कार थी वो। और ये देखो एक बार कैसे मिट्टी मिट्टी लग गई है यार, मेरे को इसमें इसको ले जाना पड़ेगा गाइज यार धुलाने के लिए। बट यस मैंने फ्रेडी को कॉल कर दिया है गाइज, मैं उससे बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी रेस आसपास हो रही है तो मेरे को हीट अप कर ब्रो, मेरे को अपनी GT3 RS को टेस्ट करना है रेस में ले जाके। पहले तो मैं GT3 RS को थोड़ा साफ कर दूँ, ठीक है? टेस्ट तो बाद में होगा, पहले थोड़ी साफ कर लेते GT3 RS को। लेट्स गो। ये साफ क्यों नहीं हो रही है भाई, ऐसे मत बोलो यार कि साफ ही नहीं होगी अभी। ओ ये इसका पेंट है क्या? नहीं पीछे से तो क्लीन हो गई, बट उधर से क्लीन नहीं हुई, साइड हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हाँ धीरे धीरे हो रही है। या फिर ये पेंट है भाई, ये पेंट है क्या? अगर ये सच्ची में दिल से बता रहा हूँ, अगर ये पेंट निकला ना भाई मेरा दिल टूट जाएगा। तो गाइस हम लोगों के पास में ये एक बहुत तगड़ी रेस होने वाली है जिसके लिए मेरे को फ्रेडी ने लाइक पास दे दिया है, तो हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं, थोड़ा पैसा भी कमा लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे हमारी नई GT3 RS किस हद तक जा सकती है, तुम समझ रहे हो ना भाई? क्योंकि ये है तो तगड़ी गाड़ी, तुम देख रहे हो भाई, मतलब मजाक से हट के ये कोई हाइपर कार नहीं है, प्रॉपर सुपर कार है। और देख रहे हो कितनी सही भाग रही है, कंट्रोल देखो भाई हर चीज़ में, कोई भी चीज में ऐसी नहीं है कि गाड़ी किसी चीज से पीछे जा रही है भाई। और अगर हम लोग इसको मॉड कर देंगे, सोचो मॉड के बाद इस गाड़ी का क्या होगा भाई, अभी तो ये मॉडेड भी नहीं है। भाई यार कसम से बताए मेरे को यही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है Forza Horizon की या फिर कोई भी कार गेम की, कि तुम लोग वो ले सकते हो जो थोड़ा सा रियल लाइफ में लेने में, समझ रहे हो ना, नामुमकिन सा ही काम है एक तरह से यार, लाइक जेन्युइनली भाई सच्ची बताऊं तो वो चीज़ तुम लोग जब गेम के अंदर कर सकते हो और तुम उसको चला रहे हो भाई, ऐसे मज़े ले रहे हो पूरे गाड़ी के जितने ज़्यादा ले सकते हो, तो ये फीलिंग ही अलग होती है। मतलब मैं तुम लोगों को भाई तुम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और भाई है यार मतलब एक होता नहीं यार, अब हम लोगों को ही पता है भाई कि कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है एक गाड़ी लेने में, और फिर वो चीज़ हम लोग अगर कर पा रहे हैं, इवन इन अ गेम वो थोड़ी देर के लिए खुशी है, बट वो खुशी काफ़ी है भाई, मजाक से हट गया। बाकी मेहनत तो करते रहेंगे, किसको पता एक दिन, यू नेवर नो भाई। चलो चलते हैं लॉस जार्डिन सर्किट के अंदर और दिखाते हैं जरा इन लोगों को अपनी नई GT3 RS क्या कर सकती है। लेट्स गो गाइस फटाफट से चलते हैं अपनी GT3 RS जरा दिखाते। भाई यार क्या लग रही है देखो दिखने की यार, कसम से भाई Porsche की आई गेस द बेस्ट लुकिंग कार इज 911 की GT3 RS। लाइक 992 वाली भी बढ़िया लगती थी, बट पता नहीं यार मेरा दिल बोलता है कि 911 GT3 RS इज द लाइक पिनेकल टाइप, एकदम दिखने की बहुत ज़्यादा प्यारी भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी। लेट्स गो बॉयज दिखाते हैं इन लोगों को कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं भाई। लेट्स गो अपनी नई GT3 RS भगाते हैं जरा, इनको बताते हैं भाई। ओ भाई ये देखो डॉज वाइपर वो सब लेके आए हुए लोग, जान है भाई यार डॉज वाइपर अच्छी गाड़ी है, पर कम ऑन यार इट्स अ 911 ब्रो, लाइक लिटरली ब्रो वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट इनलाइन सिक्स इंजन, इनलाइन इज स्ट्रेट सिक्स इंजन, वो भी लाइक मेरे ख्याल से वो है क्या कहते उसे नेचुरली एस्पिरेटेड है मेरे ख्याल से, टर्बो भी नहीं है, टर्बो चार्ज नहीं है। लेट्स गो बॉयज चलो आस पास नहीं एक्चुअली यार ऐसी होता है गाइस देख रहे हो, गलती एक गलती और बड़ी पेनल्टी, वो देखो निकल गई डॉज वाइपर आ गई भाई। 2 सेकंड के लिए मैंने मिनी मैप में देखा कि आसपास कोई नहीं हो, मैंने देखा कि इतना बड़ा वो आ गया टगन आ गया एकदम से, ऐसे कैसे भाई ये गाड़ी का कंट्रोल क्या है, मैं जहां को मोड़ रहा हूं वहां को कट जा रही है गाड़ी, वाह
भाई साहब रियर व्हील ड्राइव है क्या, तुम मानोगे भाई मेरे को इसका जेस्को से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कंट्रोल। अरे जाना यार वो तो जाना यार तो जाना रे। ओ भाई साहब यार ये मेरे लिए परफेक्ट गाड़ी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस हिसाब से ये गाड़ी कंट्रोल हो रही है ना, वरना तुम लोग मेरी कोई भी रेस जाकर उठा के देख लो, तुम लोगों को पता है मैं कैसे रेस करता हूँ भाई ठोक ठोक के गाड़ी। चल कम ऑन यही है बस इतना। अबे यार नहीं यार गाइस सॉरी यार एक रिवाइंड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैंने रिवाइंड इसीलिए ऑन भी रखा हुआ है बस एक चीज के लिए यार। समझ कमान ब्रो नहीं। अरे यार यार ये लास्ट लैप में ही होना होता है क्या ये सब? हम लोग 8th पोजीशन पे आ गए एक गलती की वजह से, एक गलती और इतनी बड़ी पेनल्टी देख रहे हो तुम लोग। यार ये थर्ड आउट ऑफ थर्ड लैप है ना यार हम हार गए मोस्ट ऑफ। कमऑन यू कैन डू दिस अंशु, कमऑन ब्रो मैं नहीं तो कौन बे लेट्स गो हो रहा है ब्रोस हो रहा है ऑलमोस्ट भाई 8th-9th पोजीशन हो गई थी और हम लोगों ने खींच खींच के फर्स्ट आ गए भाई। मैं आई स्टिल कांट बिलीव इट ब्रो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने बस तुम समझ रहे हो ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ ब्रो। मेरे को एक बार के लिए फील हुआ यार शायद से हम लोग अपनी पहली रेस ही हार जाएंगे इन दिस पोर्शन GT3 RS, बट मैं बता रहा हूँ अभी तक की बेस्ट कंट्रोल्ड कार मेरे को लग रही है, फील हो रही है जो मैंने अभी तक का सारी की सारी चलाई है उनमें से सबसे बढ़िया इसी का लगा मेरे को। लाइक कैसे बताऊँ कि जो होता ना एक वो कि यार कार समल रही है वाला वो लगा मेरे को, इसीलिए हम लोग 8 तक आ गए यार। हम लोगों ने पूरी गाड़ी घुमा दी गलती है, तुमने देखा से कितनी देर तक आ गया हमने भाई, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो खींची है ना कार, ओ माय गॉड ब्रो, अगर ये गाड़ी में मॉडिफाई करा तो तुम सोचो जरा, जस्ट थोड़ा इमेजिन करो उस चीज़ को, ये फुल्ली स्पेक्ड फुल्ली मॉडिफाइड कितनी खतरनाक लगेगी। एंड बिलीव मी व्हाट ब्रो, जी हम लोग जा रहे हैं इसको सीधे फ्रेडी के पास ले जा रहे हैं। फ्रेडी का होराइजन कहाँ गया, ये रहा राइट, हम लोग सीधे इसको फ्रेडी के पास ले जा रहे हैं। एंड इट्स टाइम बॉयज, मैं इसको अभी के अभी मॉडिफाई कराने वाला हूँ फुल्ली स्पेक, एकदम जितनी पावरफुल हो सकती है ना ये पोर्शे, मैं इसको उतनी पावरफुल बनाने वाला हूँ, तुम देखो बस जितनी पावरफुल बन सकती है उतनी ज़्यादा पावरफुल इसको बनाऊंगा मैं, और अब हम लोग इससे करेंगे रेस। तुम देखो भाई अभी तक का ये जैसे चल रही है ना, मेरे हिसाब से ये 0-100 कितने सेकंड में कर रही होगी, 7-8 सेकंड में आई गेस कर रही होगी, उनको जरा एक बार चेक करते हैं, ठीक है 0-100 चेक करते हैं इसका, ठीक है 1-2-3 गो। ये 4 सेकंड के आसपास में कर रही है, 4 या मैक्सिमम 5 नहीं कर रही है 4 सेकंड के आसपास में कर रही है मेरे हिसाब से, तो 0-100 आराम से बिल्कुल एकदम प्यार से कर रही है, कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा मुश्किल नहीं हो रही है 0-100 करने में। ओके माय बैड, मेरे को लगा कि ऐसा हो रहा होगा। अगर तुम लोगों को लगता है, तुम लोगों ने अगर स्टॉप वॉच से करा भी काउंट की है कितनी हो रही है, तो मेरे को प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है कितने सेकंड में इसने 0-100 करा। लेट्स गो, इसकी टॉप स्पीड भी देख ही लेंगे, अब हम हाईवे में चल ही रहे हैं। तो 304-305 भाई ये बिना वो है कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुए इस कार के अंदर। 309-310 8वां गियर है नहीं इसमें, तो 310 11 ही जाएगी। हाँ थोड़ा सा नीचे को स्लोप बना तो 11 चले गए, अभी 10 हो जाएगी वापस आएगी।
310 इसकी टॉप स्पीड है अभी के लिए, ठीक है 310 इसकी टॉप स्पीड है अभी के लिए। हाँ सही है कोई नहीं। चलो अपना एग्जिट आ रहा है क्या हाईवे से? नहीं भाई, 5 किलोमीटर हम लोगों को ऐसे ही निकाल लिए गाड़ी लिटरली 315 की स्पीड में भाई। लेकिन ये जेन्युइनली भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कार है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी फील हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा निम्बल और मतलब टर्न वन में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ईजी हो रही है। अभी ऐसे में अगर मैं MK4 चला रहा था, MK4 बहुत फास्ट है बट एट द सेम टाइम वो फिर कंट्रोल करना भी उतना ही हार्ड हो जाता है उस गाड़ी को। बट ये बहुत ज़्यादा सिंपली देख रहे हो तुम लोग हाईवे में कैसे चल रही है एकदम, मतलब मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको कंट्रोल कर पाया, मेरे को ऐसी फील आ रही है। तुम लोगों ने तो बहुत सारे एपिसोड ऑलरेडी देख ही लिए हैं मेरे, तुम लोग बताना तुम लोगों को इससे भी ज़्यादा कंट्रोल कौन सी कार लगी थी। मेरे ख्याल से फरारी काफ़ी सही थी, FXX के वो जो अपनी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल थी, बट ये नेक्स्ट लेवल ही चल रही है भाई अभी तक का। फिर लेकिन आप वो थोड़ी हाइपर कार्स में भी आ जाती है। Horizon Arcade will begin soon. ना मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना, थैंक यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन होराइजन। मुझे तो बस अपनी गाड़ी को मैक्स पैक करना भाई, इसको इतनी तगड़ी बनाऊंगा ना, मैं इतनी क्रेजी बनाऊंगा ना तुम देखो भाई। फिर ये खाली दिखने की क्रेजी नहीं होगी, फिर ये भगने की भी वैसी होगी। लेट्स गो, चलो भाई चलते हैं सीधे फ्रेडी के गैराज और करते हैं अपनी 911 GT3 RS को द बेस्ट बनाते हैं भाई, द बेस्ट समझ रहे हो। एंटी लैग टर्बोचार्जर्स कैन नॉट बी फिट इनटू टर्बोचार्ज्ड व्हीकल, बट ये तो वो है ना नेचुरली एस्पिरेटेड है ना, तो मेरे ख्याल से मतलब पता नहीं ब्रो, मेरे को ऐसा मैं कोई ज्ञान ही नहीं हूँ गाड़ियों का, बट लेट्स गो भाई। देखो मैं ट्यून भी ऐसी करता हूँ मैं तो भाई, कि देखता हूँ कि क्या चीज़ कितना बढ़ा रही है किसी भी चीज़ को, मैं उसी के हिसाब से देखता हूँ। देखो रेस इग्निशन लगाना है, सिंपल सी बात है, रेस इग्निशन नहीं लगे तो क्या होगा। ओके रेस एग्जॉस्ट, देखो एग्जॉस्ट पीछे का तो नहीं बदल रहा है तो मैं लगा ही रहा हूँ इसको, मतलब वही है स्पेस ही वही है तो कहाँ से बदलेगा राइट। और ये देखो भाई रेस कैम्स एंड वेल्स की वजह से इसका इंजन कितना ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है ब्रो, लेट्स गो भाई। इसमें तो लेजेंड हम लोग जो भी चीज़ बदल रहे हैं, ओके रेस फ्लाई व्हील से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हैंडलिंग थोड़ी सी खराब होगी बट एक्सेलरेशन सब कुछ बढ़ेगा तो मैं कर ही देता हूँ, थोड़ी सी खराब से क्या फर्क पड़ता है राइट, वह थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा होता है बट ठीक है। ऑफ रोड नहीं करना भाई, ना ड्रिफ्ट करनी है इससे, जैसी है वैसी चाहिए मेरे को, ना ऑफ रोडिंग ना ड्रिफ्ट, मेरे को इसको भगाने वाली गाड़ी बनानी है एकदम। ओके चैसी अगर मैं इसकी वेट रिड्यूस कर दूँ, ठीक है सारा सामान निकाल दूँ सब कुछ कर दूँ, तो फ़र्क कहाँ कहाँ पर है? ऑफ रोड कम हो पाएगा, एक्सेलरेशन ख़राब हो रहा है और लॉन्च ख़राब हो रहा है। यार एक्सेलरेशन और लॉन्च तो मुझे चाहिए, सॉरी ब्रो। ठीक है लेट्स गो, अगला देखते हैं हम लोग इसको। मेरे को ड्राइव ट्रेन तो इसका बिल्कुल भी चेंज करने का मन नहीं है, इसको ऑल व्हील ड्राइव। अच्छा क्लच है ना, मेरे को लगा ड्राइव ट्रेन चेंज हो रही है और यहाँ पे सीधे ये ऑल व्हील ड्राइव में और फास्ट हो रही है, जो कि थोड़ा भाई सीधी सी बात है रेयर व्हील ड्राइव के इंजन वो सब चीज़ें ऐसी बनी होती है। ये देखो ये है रेस लाइन, अरे बिल्कुल भाई डालो यार, ऑफ रोडिंग किसको करनी है ऑफ रोडिंग भाई, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग रेस डिफरेंशियल ही लगाएंगे ठीक है, रैली या रेस, रेस डिफरेंशियल लगाते हैं। इसमें इनिशियल बहुत तेज मिलेगा हम लोगों से ठीक है, अपने टायर्स पे आ जाते हैं, टायर्स की ग्रिप पे हम लोगों को, टायर की ग्रिप तो पता है हम लोगों की बेस्ट ग्रिप यही है ठीक है। ये मैंने पढ़ा भी था कि ऐसा कंपाउंड होता है, तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि ये गलता है जिस समय चलता है तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनाता है, इवन दो ये गंजा टायर है एकदम, तो वो चीज़ भाई तुम लोग लेजेंड रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं ही तुम्हें समझाऊँ, तुम लोग भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हो भाई। लेट्स गो, आई थिंक ये हाँ ये उसका वो बढ़ा रहा है, क्या कहते हो उसे, व्हील बेस बढ़ा रहा है आई गेस, व्हील बेस नहीं मतलब टायर की विड्थ बढ़ा रहा है, व्हील बेस तो नहीं भाई, बहुत मज़े भाई बहुत बढ़िया। ओके ये लगा लेते हैं हम लोग, लेट्स सी हम लोग रिम स्टाइल में क्या कर सकते हैं, पोर्शे वाले रिम, यार पता नहीं यार पोर्शे के रिम्स को मैं छेड़ने नहीं वाला, बहुत क्यूट लगते हैं भाई, मस्त लगते हैं बहुत ज़्यादा। ओके 21 इन फ्रंट ना, 21 इंचेस नहीं चाहिए, पीछे के भी 21 इंचेस नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो मैं इसकी ट्रैक रेट वो सब बढ़ाने वाला हूँ। अब ये देखते हैं एक बारी, मेरे को ये चेक करना था, बहुत ज़्यादा मन था मेरा कि इसका ये क्या है, ये देखो इसे डाउन फोर्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है बट इससे स्पीड कैसे कम हो रही है भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। लाइक इससे डाउन फोर्स तो कम होगा तो हैंडलिंग एक्सेलरेशन सब कुछ बढ़ेगा बट ओवरऑल स्पीड कम जा रही है ऐसा कैसे भाई। ओके ये थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजिंग है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओ बॉयस। ओ लेट्स गो यार, ऑफ रोडिंग खराब होनी, ऑफ रोड और अच्छी हो जा रही है भाई, हैं ये नीचे से स्कर्ट लगा के और वो साइड से वो विंगलेट लगा के ऑफ रोडिंग और लगाओ, ऑफ रोडिंग और अच्छी हो रही है बल भाई, इसको लिटरली लगा के गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया बट वो बोल रहा है ऑफ रोडिंग और तगड़ी होगी, चलो बढ़िया है भाई अपने हिसाब से, जो भी बोले भाई बढ़िया ही है मेरे हिसाब से तो, बहुत बढ़िया बात है। लेट्स गो लेट्स सी ये क्या है भाई, ये तो इंजन स्वॉप, ओके देखो अभी के लिए तो ये सीधी सी बात है हमारा क्या कहते हैं उसे V6 है, स्ट्रेट 6 है बेसिकली, बट ये क्या लग रहा है कौन सा इंजन है, ये बता भी तो नहीं रहा कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है क्या ये कौन सा इंजन है,
ओके रैप भी कर सकता हूँ क्या मैं इंजन को? नहीं ना. ओके ड्राइव ट्रेन तो मैं स्वॉप नहीं करने वाला एनीवेज भाई. ऑल व्हील ड्राइव मैं इसको नहीं बनाने वाला, ये एकदम फन कार बनाएंगे हम लोग. अब ये देखो एस्पिरेशन में हम लोग ट्विन टर्बो देखो. हाँ नेचुरली एस्पिरेटेड, देखो स्टॉक में नेचुरली एस्पिरेटेड है. ठीक है थोड़ी बहुत तो रिसर्च मैंने भी करी है अपनी. बाकी इसको हम लोग टर्बो चार्ज बना सकते हैं. ठीक है हम लोग चाहे तो ट्विन टर्बो लगा सकते हैं इसके अंदर और इससे बढ़ भी रहे. लगा के देखते हैं एक बार, अगर फिट नहीं बैठेगा मज़ा नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे. ठीक है इंस्टॉल सेटअप करते हैं, लेट्स गो गाइस. अब इस गाड़ी को जरा रोड पर उतारते हैं, पहले इसकी टॉप स्पीड देखते हैं और फिर देखते हैं ये रेस में कैसा परफॉर्म करेगी. लेट्स गो. तो गाइस अपनी गाड़ी पूरी की पूरी मॉडिफाई हो चुकी है, एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल. बट हाँ इसको मैंने रियर व्हील ड्राइव से ऑल व्हील ड्राइव पे रख दिया है. ठीक है अब देखो इसमें थोड़ा भाई साहब क्या भग रही है एकदम भाई, मजा था अभी भी यार. ड्रिफ्टिंग तो सब कुछ अभी भी कर ही रही है. लेट्स गो एक बार चेक करते हैं गाड़ी को. ठीक है 0 to 100 या फिर छोड़ो 0 to 100 भी छोड़ो, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो अपना जहाँ पर वो होता है क्या कहते हैं उसे चेकिंग होती है वहाँ तक का ये कितनी स्पीड भगा पाती है. ठीक है ज़्यादातर हमारी गाड़ी है 250 आराम से पकड़ लेती है. लेट्स सी ये कितने भागती है. लॉन्च कंट्रोल ऑन करते हैं. 1 2 3 गो. ओ भाई साहब दिस इज फास्ट गाइस. और अगर तुम में से किसी ने भी गाइस 0 to 100 भी चेक कराना है इस कार का, अभी अभी 0 to 100 भी देखा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है अगर तुम लोग स्टॉप वॉच से प्रॉपरली सेकंड्स गिने तो ये 0 to 100 कितनी देर में कर रही है वो भी बताना मेरे को. क्योंकि ये गारंटीड 3 सेकंड के अंदर कर रही है 0 to 100 गारंटीड, मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़. तो ये 0 to 100 3 सेकंड्स के अंदर कर रही है. थोड़ा सा मजा लेते हैं जरा इस गाड़ी से रेस में जाने से पहले. अरे यार पता है मेरे को सबसे ज्यादा ड्रिफ्टिंग में सबसे ज्यादा कूल चीज क्या लगती है, जब बंदे कैसे बताऊं यार वो जो एक तरह से 360 होता है ना वो कर लेते जब ये वाला ये बस ये इतना कूल लगता है ना दिखने में रियल लाइफ में भाई. पूरा 360 होता है एक तरह से, मतलब कैसे बताऊं जैसे इधर को मोड़ी बस, मतलब थोड़ा सा मेरे से सही से नहीं हुआ कि गाड़ी इतनी स्पीड नहीं पकड़ पाई जस्ट इंस्टेंट में, बट ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है. अब मैं फटाफट से लगाता हूँ फ्रेडी को कॉल और देखते हैं भाई क्या हमारी गाड़ी एक रेस कार में प्रॉपरली बन पाई है. लाइक क्या ये GT3 RS रेडी है किसी भी कार को बीट करने के लिए. देखो हैंडलिंग तो सही बताऊँ इतनी ज़्यादा अपग्रेड होने के बाद भी इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रही है. तो चलो गाइस हम लोगों को फ्रेडी ने एक मस्त रेस का एड्रेस दे दिया है, तो ले जाते हैं अपनी Porsche 911 GT3 RS. भाई थोड़ा छोटा नहीं हो रहा था ना आप, तो चलो अपनी Porsche 911 GT3 RS को लेके जाते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कि क्या ये रेस में भी वैसे ही परफॉर्म कर पाएगी जैसे लिटरली रोड पर परफॉर्म कर रही है. एंड आई होप हम लोगों को जाते जाते वहाँ पर यार एक वो भी मिल जाए, लाइक कैसे बताऊँ हम लोगों को क्या कहते हैं उसे हाईवे मिल जाए तो हम लोग इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर पाएंगे होपफुली. लेट्स सी जो भी होगा जैसे भी होगा. भाई अलग ही स्पीड है, क्या पकड़ रही है खुद आते थे. अल्टीमेट एयर भाई 430 के भी पार भाई 430 मीटर्स के भी पार इतनी ज़्यादा तेज गए हैं उससे. और ये हम कहाँ चला रहे हैं अपनी गाड़ी को अभी भाई, ये 300 प्लस तो ऐसी जा रही है पता मजाक में 300 कब चले जा रही पता भी नहीं चल रहा है भाई. भाई अगर इनके गांव में आज लाइट ना आए तो एक बंदा था जो अपनी Porsche GT3 RS में घूम रहा था वो बंदे ने सारे पोल उड़ा रखे हैं भाई, उसी का नाम बसाना है. ठीक है मेरा नहीं. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है. भाई ये रात में क्या लगता है यार, ये लिटरली सुबह और रात हो लाइक पता नहीं यार मस्त सा लगता है. ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया एकदम से या ऐसा कुछ हो गया, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है देखने में अभी भी. लेट्स गो बॉयज हम लोग पहुंच चुके हैं. हम लोग इसका 0 to 100 और सारी चीज़ें अभी चेक करेंगे हाईवे पे इस रेस के बाद. ठीक है पहले इस रेस में जाते हैं जरा और देखते हैं भाई कि क्या हम लोग की GT3 RS रेडी है, क्या ये वो गाड़ी बनेगी जो अच्छी अच्छी गाड़ियों को बीट करेगी. भाई
दिखने की तो क्या लग रही है कसम से, वो स्कर्ट वर्ट सब कुछ ना एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल यार। हाय हाय क्या लग रही है भाई, मजाक से हटके पता नहीं यार, मतलब मेरे को बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कुछ गाड़ियों में ऐसा दिल आ जाता है ना यार, मतलब फिर यार बोला भी नहीं जा सकता कुछ यार, इतनी प्यारी लग जाती है गाड़ी। लेट्स गो। ओ भाई साहब ये क्या आगे, ये क्या वॉक्सवैगन बीटल फुल स्पेक, ओ भाई साहब बंदा वॉक्सवैगन बीटल चला रहा है, वो भी फुल स्पेक। ओके जी जी, क्या हम लोगों ने अभी अभी एक पगानी को पीछे छोड़ा अपने, नॉट श्योर, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ, अगलिया ना कर दिया ना वही हरकत दोबारा से यार, मुझे लग रहा है वो पगानी है भाई। चलो 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 हो जाए भाई, भाई यार इतना बोलने के बाद भी ना, अब क्योंकि क्या हो रहा है पता है, अब इसको कंट्रोल करना हार्ड क्यों होते जा रहा है, क्योंकि ये अब भाई 200 की स्पीड ऐसे पकड़ रही है, सब मजाक हो रही होगी इस गाड़ी के लिए भाई। और एक बार देखो क्या दिन हो रहा है भाई, ऊपर सामने से ऐसे करके एकदम सूरज चमक रहा है। ऐसे कैसे भाई, ये कार बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा फास्ट, हद से ज्यादा फास्ट भाई, ये बाकी गाड़ियों को कब पीछे कर दे रही है समझ में भी नहीं आ रहा है पता तुम्हें। और अगर मैं थोड़ा सा ढंग से चलाऊं ना ब्रेक्स ब्रेक्स मारते हुए, तो ये कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इजीली हो जा रही है। ये देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पे ठोकी थी गाड़ी, और इस बार कितने इजीली कंट्रोल कर ली, देखो पीछे कोई गाड़ी नहीं है हमारे, मतलब पीछे गाड़ियाँ हैं बट बहुत ज़्यादा दूर है, देखो है ही नहीं। ओए क्या कर, हरकत तो करनी होती है ना, मैंने एक ना एक बार तो हरकत करनी होती है ना, सारी गाड़ियाँ चलेगी आगे। थैंक यू भाई, थैंक यू यार, उसने भाई ने बूस्ट, ओए कहाँ ले जा रहा मस्टैंग भाई, रुक जा जरा भाई, वो बंदा बहुत आगे निकल गया यार, कौन सी गाड़ी है मुझे जानना है भाई। भाई मेरे को एक स्ट्रेच मारने के लिए दे देना ये लोग गलती से भी। भाई ये बीटल है यार, ये वॉक्सवैगन बीटल है, ये बंदे ने वो गाड़ी को क्या मॉडिफाई कर दिया ही? सॉरी ब्रो, बेचारे के एंटीक गाड़ी में मार दिया यार। यार ये कौन सी गाड़ी चल रही है मेरे आगे, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, ये कॉनिक्सेग है क्या? ओके मैं लिटरली गाड़ी को देखने के लिए उसके पीछे चल रहा था देर से, चल ब्रो बाय बाय यार। हार गए ना अगर गलती से भी, बेइज्जती हो जानी हर जगह पे भाई। भाई यार वो बेचारी चीख रही है GT3 RS, सॉरी भाई माफ कर दे यार, क्या ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने, हर एक टर्न पे ठोक रहे। जी जी बॉयज, जी जी, लेकिन ये रेस तो हम लोग ही जीत रहे हैं 99% श्योर। ओके 99%, वो अभी 1% ले गया था, पीछे से आ गया था वो जस्ट पीछे। लेट्स गो बॉयज एंड दैट्स अ रैप। जी जी सू, जो गाड़ी हम लोग आगे चल रही थी वो मेरे को भी बदल गया, वो मैकलेरन थी भाई, मैकलेरन 765D थी। बट भाई लिटरली इस गाड़ी ने जो करा है ना भाई सारी गाड़ियों के साथ, वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो गया। अब बस एक लास्ट चीज़ बचती है भाई जो हम लोग को अपनी पोर्शे के साथ देखनी है, वो है कि ये गाड़ी कितनी टॉप स्पीड जाती है, समझ रहे हो, बस हम लोगों को वो देखना है। सो लेट्स गो, ले जाते हैं अपनी गाड़ी को ज़रा ठीक है हाईवे के ऊपर, और देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी ज़्यादा तेज़ है। लाइक मेरे को फील तो आ रही है कि भाई ये कर देगी, मतलब आराम से 400 तो चले जाएगी, अब 400 पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को फील है कि 400 तो टच कर लेगी, 400 तो टच कर ही लेगी मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर दो। और मैं इसको ऑफ रोडिंग से करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि भाई वहाँ से बहुत आगे से घुमा के लेके आना पड़ रहा है यार, इससे बढ़िया देखो ना यार 2 सेकंड कॉल एन एम्बुलेंस, यस फॉर मी जी यार। चलो रेडी गाइस, ले लेते हैं गाड़ी को इधर को, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे आए, हाय जी 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 जी। और हाँ ये पेंट नहीं था, वो गंदगी थी, देखो साफ हो गया ना अब,
लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो, लेट्स सी कि ये हर एक गियर में कैसा परफॉर्म करती है. ठीक है, एक बार देख लेता हूँ हम लोग सही साइड पे ना. हाँ, बहुत लंबा हाईवे. ठीक है, लेट्स गो, लेट्स सी ये सारे गियर्स में कैसा परफॉर्म करती है और इसकी टॉप स्पीड क्या है. मेरे हिसाब से तो इसकी टॉप स्पीड वही है अपना, क्या कहते हैं उसे, 400 के आसपास होनी चाहिए. 400 ऊपर जा पाएगी, जा पाएगी, नॉट श्योर. ठीक है, क्योंकि सी सी बात है, इन द एंड ऑफ द डे एक स्ट्रेट सिक्स इंजन है यार ये, इवन दो नेचुरली एस्पिरेटेड है, बट स्टिल मतलब समझ रहे हो, दिखने की तो मस्त है ही. बट लेट्स गो, 1 2 3 गो. ओके, फर्स्ट गियर में 118 जा रही है अभी ये, सेकंड गियर में 172, थर्ड गियर में 230. ओके, फोर्थ गियर में ऑलमोस्ट 300 ब्रो, ऑलमोस्ट 300 फोर्थ गियर में. ओके, लेट्स सी फिफ्थ गियर में क्या करती है गाड़ी. अरे दिख कितना खूबसूरत रहा है यार, फिफ्थ गियर में 368 जा रही, 368 फिफ्थ गियर में. ओके, सिक्स्थ गियर में जा रही है, डोंट टेल मी ब्रो, सिक्स्थ गियर में 400 जाने वाली है. इसमें 7 गियर है, ठीक है, 7 वो है इसका, 7 गियर वो है, 7 स्पीड वो ऑटोमेटिक है, 400 पार कर. ओए सॉरी सॉरी, अभी हुआ ट्रेडिंग पे. लेट्स सी, 400 तो पार कर रही है, 400 तो पार हो रहा है. 403 4, कम ऑन ब्रो, 407 8 10. चार सौ दस या बारह देखा आई गेस, 412 मैक्स देखा. अगर तुम लोगों ने उससे आगे देखा तो बताना, क्योंकि मेरे आगे गाड़ी आ गई थी, मेरे को थोड़ा सा सामने ध्यान देना पड़ा, मैं ऐसे कोने में नहीं देख सकता था. बट ब्रो, हम लोगों ने एक GT3 RS को पहले तो इतना फास्ट बना दिया कि वो 0 to 100 आई डोंट नो बहुत ही कम सेकेंड्स के अंदर कर ले रही है. एंड उसके बाद लाइक लिटरली 2 point कुछ सेकेंड्स में कर रही है, 3 seconds के अंदर है, आई एम डैम श्योर. वो बाकी ये गाड़ी लिटरली 412 से ऊपर जा रही है, 400 पार, तुम समझ पा रहे हो मतलब. जी जी भाई, ये हम लोगों ने लिटरली यार GT3 RS का मॉन्स्टर बना दिया. लाइक आई डोंट थिंक सो टर्बो भी इतनी ज्यादा फास्ट होगी जितनी अभी ये GT3 RS है ब्रो. अगर टर्बो SB ले जाओगे ना इसके सामने तो आई डोंट थिंक सो टर्बो SB इतनी फास्ट होगी जितनी ये GT3 RS है भाई. भाई साहब, और ये 400 भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही है अगर देखा जाए तो. देखने वाला मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, मैं चला लेता हूँ. ठीक है, मैं वहां देखने लग गया था और देख रहा हूँ गाड़ी कहाँ जाती है अभी. भाई मेरा ध्यान आगे नहीं है, मैं पीछे देख रहा हूँ, पता है अभी हो जाता काम यहीं पे. मौत से खेल ले, मौत से. भाई ये गाड़ी हम लोगों ने बहुत गलत बना दी है, बहुत गलत है. चार सौ तेरह चौदह वापिस 13. अच्छा हाइट में चढ़ रही है ना, थोड़ी स्पीड कम हो रही है. ये गाड़ी यार हम लोगों ने कुछ और ही बना दी और ये दिखने की भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है. लेट्स गो गाइस, हम लोगों की फैमिली में जुड़ चुकी है एक नई Porsche 911 GT3 RS.